Hello guys, this is Social Blaze. We are a new YouTube channel bringing you news about the Indian YouTube channels and Indian social media sensations. So, stay tuned. Firstly, we are going to talk about Amit Bhadana. Recently, one of his videos, that is Diwali Ki Dukandari, has been blocked from the YouTube due to copyright issue. Regarding this, he talked about in his Instagram story about how he feels when a video got blocked from internet and people ask about why the video is blocked. Let's hear what he says. आप सबको पता है कि पहली वीडियो से लेकर आज तक मेरी वीडियो का म्यूजिक जो होता है वो 90s बॉलीवुड पंजाबी इन सबको मिलाकर बनता है और जो बिल्कुल अलग था एक नया था उस टाइम पर जब मैंने ये सब शुरू किया था सबको मजे आते थे कि कहाँ वीडियोस में 90s के गाने सुनने को मिल रहे हैं कुछ एक वो अलग था तो आपको वो चीज काफी इंटरटेन करी और आगे चल के वो और ज्यादा आपको करती रही जो मुझे बड़ा अच्छा लगा उसमें क्या होता है कि मेरी 70-75% वीडियोस पर कॉपीराइट है जिससे वो उसका पैसा ले जाते थे मुझे कोई कभी इतना दुख नहीं होता था मैं सोचता था यार मैं सही सलामत रहूं मेरा दिमाग ठीक ठाक चलता रहे मैं पैसे कल को भी कमा लूंगा लेकिन सबसे ऊपर जनता है जनता को अभी मजा आ रहा है जनता उसे देख रही है एक्सेप्ट कर रही है तो ये चलने दो पैसे को प्रायोरिटी पर नहीं रखते जनता है उसी को रखेंगे और मैं हमेशा आप लोगों को ही ऊपर रखता हूं कि सबसे ऊपर आप ही लोग हैं अभी क्या होने लगा है कि अभी वो कॉपीराइट मार के पैसे तो ले ही जाते हैं वीडियो को भी डाउन कर देते हैं मुझे लोगों के सवाल आते हैं कि आपने वीडियो क्यों हटा दी चाहे वीडियो कोई भी अच्छी हो बुरी हो आप सभी को पता है वीडियो को हटाने का कोई मतलब ही नहीं बनता कोई भी वीडियो ऐसे नहीं बनाई जाती कि यार चलो आज सुबह उठ के बुरी वीडियो बनाते हैं वो बड़ी एक मेहनत से एक एक आदमी की इतनी उसमें मेहनत होती है इतनी मुश्किल से मैं लिखने से लेकर एडिट से लेकर शूट से लेकर हर चीज में इतनी डिफिकल्टीज होती हैं कुछ इतना इजी नहीं वो एक 10 मिनट की वीडियो होती है 15-20 मिनट की तो ऐसे लगता है कि ऐसे ही बन गई होगी वो बड़ी बड़े दिनों बाद बड़े लोगों की मेहनत के बाद फिर एक वीडियो बनती है वो सफल होती है फिर उसको अपलोड करते हैं फिर उसे जनता के ऊपर हम छोड़ देते हैं आखिर में आगे कि अच्छी लगेगी तो बहुत अच्छा बुरी लगेगी तो मैं आगे सीखने की कोशिश करूंगा कि क्या बुरा था अभी ठीक है हम किसी की कोई चीज यूज कर रहे हैं गाना यूज कर रहे हैं म्यूजिक यूज कर रहे हैं आपका उस पर पूरा अधिकार है उससे संबंधित आप जितने पैसे आपको लगे आप वो ले जाएं आप पूरी की पूरी वीडियो हटा देते हैं कुछ वीडियोस ऐसी होती हैं जो आपके दिल के बड़ी करीब होती हैं दिवाली की दुकानदारी मेरी बहुत पसंदीदा वीडियो में से एक थी अब वो चैनल पर नहीं है अब उनसे बात करें तो उल्टे सीधे तरह की शर्तें रखते हैं मेरा कहना ये है कि आप कॉपीराइट से जितने आपको पैसे या कुछ भी जो भी आपको लगे आप वो ले सकते हैं लेकिन ऐसे करके आप पूरी वीडियो ना हटाए करें तो मैंने अब यही सोचा है कि मैं म्यूजिक ही नहीं ऐसा इस्तेमाल करूंगा जिस पर कॉपीराइट आए चाहे मैं खुद म्यूजिक बनवा लूंगा या कुछ भी कर लूंगा लेकिन म्यूजिक का ऐसे किसी म्यूजिक का इस्तेमाल नहीं करूंगा और मैनुअल लगा देते हैं यार वो बैठे रहते हैं मेरी वीडियो के इंतजार में कि ये देख रहा है कि इसकी वीडियो है इसने कुछ बॉलीवुड 90s कुछ ऐसा यूज करा होगा डाल देते हैं कॉपीराइट चलो कोई बात नहीं यार मैं ठीक सही सलामत हूँ मेरे साथ आप लोग हो मैं और भी कुछ बेहतर और भी कुछ बढ़िया कर सकता हूँ अगर आप लोग मेरे साथ हैं मैं इन छोटी मोटी चीज़ों से मैं इतनी जल्दी नहीं घबराता लेकिन दुख होता है कि कितनी मेहनत से कुछ चीज़ आपने बनाई है और वो हटा दी है मैं कहता हूँ यार पैसे ले लो उस चीज़ के जो आपको मिल रहा है यूट्यूब से एडसेंस से पता नहीं चलो जैसा भी है आप अपना ध्यान रखें खुश डज अमित भडाना डिजर्व दिस लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो लेट्स टॉक अबाउट आवर सेकंड स्टोरी इट्स अबाउट एमएमए बनता है वन ऑफ द रेनाउंड रैपर फ्रॉम इंडिया ही रिसेंटली पोस्टेड ऑन इंस्टाग्राम टेलिंग अबाउट हिज न्यू सॉन्ग पागल से रैपर विच विल बी रिलीजिंग दिस संडे होप यू ऑल आर एक्साइटेड अबाउट इट नेक्स्ट गोइंग फॉरवर्ड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अनदर न्यू सॉन्ग दैट इज Coming from Dino James, recently on his Instagram channel, he posted about his new song, Duriya, which will be coming soon. So stay tuned about this one also. Next, we are going to talk about CarryMinati. Recently on one of his live stream, someone asked him question about Triggered Insan, about how his videos got copyrighted and age restricted. So here is how he talked about Triggered Insan on his live stream. ट्रिगर्ड इंसान के साथ पबजी कब खेलोगे वो भी तेरे जैसे ही नूब है बेचारा कोई गाली नहीं देता फिर भी यूट्यूब रजिस्ट्रेट करता है उसको भाई ये यूट्यूब की ना थोड़ी है थोड़ा सीन है उसका ऐसा ना होता होता है यूट्यूब तो अगर तुम हो ना इस साइड तो
आई कैन अंडरस्टैंड इट हैपन्स, बट सही बताऊँ तो तुम क्या कर सकते हो? नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सीकन. ही इज़ अ बिग यूट्यूबर विथ मोर देन 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स. Recently, Seekan posted a video about planting 10 million trees in India, Mr. Beast challenge. Inspired by Mr. Beast, Seekan is starting a similar challenge in India for planting 10 million trees. He is working with Green Yatra NGO for working on this project. So, this is his first initial announcement. I will be covering this whole up in my next YouTube video, so stay tuned. Next is about Ashish Chanchalani. He recently completed 15 million subscribers on YouTube. Many congratulations to Ashish Chanchalani for completing 15 million milestone. You have done it, bro. Recently, he posted a post on Instagram thanking all his subscribers on YouTube. He wrote, "Congratulations to all of us. Now we are 15 million strong. कभी किसी उम्मीद से शुरू नहीं किया था, बस आप लोगों ने सपोर्ट किया और प्यार दिया. शुक्रिया मेरी ज़िंदगी बनाने के लिए. One more time, congratulations, bro. Going forward, let's talk about an international story. Recently, PewDiePie posted a video talking about the new changes for creators where they are asked about the content, whether it is made for kids or not. Currently, YouTube is doing this due to the COPPA Act, that stands for Children Online Privacy Protection Act. Due to this act, if a creator creates a video for children, so some features will be disabled from YouTube, like comment section, video recommendation, notification will not be sent, and also their revenue will come down by 60-70%. But if a creator makes a video for children, but marks it as not for children, then YouTube will charge plenty for this video. Yes, creators will get fined for up to $40,000. In a recent video, PewDiePie talked about this act and gives his opinion about the matter. You can hear it yourself. I mean, when I first heard about it, I was like, oh, well, I never purposely made content for kids. I never try and direct my content for kids. But then at the same time, YouTube now has changed their format, so you can't swear. Edgy content is really not allowed. So you're kind of forced to be family friendly, but now it seems that you're getting punished for it. You could possibly get a lawsuit. It's so crazy. And at first, again, at first, my initial reaction was like, yeah, you know what? I understand FTC. There's a lot of clearly, 100% clearly, in my opinion, content that is made for kids on very profitable and very, very lucrative. I mean, this is all for today. If you like this video, please like, share and subscribe. If you are new to this channel, then hit the subscribe button and press the bell icon for notification. Thank you. Till the next video. Bye-bye.